Nitivachan Adhyay 22. Nitivachan Adhyay 22. बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है. धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं. यहोवा उन दोनों का कर्ता है. चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं. नम्रता और यहोवा के भय मानने वाले का फल धन, महिमा और जीवन होता है. टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है. लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिससे उस पर चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा. धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है. जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोंगा टूटेगा. दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है. ठट्टा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे. जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है उसके वचन मनोहर होते हैं और राजा उसका मित्र होता है. यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है. आलसी कहता है कि बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा. पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता सो ही उसमें गिरता है. लड़के के मन में मूढ़ता बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है. जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेरा करता है और जो धनी को भेंट देता, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं. कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा. यदि तू उनको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से भी निकाल करे, तो यह मनभावनी बात होगी. मैं आज इसलिए ये बातें तुझको जता देता हूं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो. मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूं कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लाएंगे उनको सच्चा उत्तर दे सके. कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है, और न दिन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा. और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा. क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए. जो लोग हाथ पर हाथ मारते और कृणियों के उत्तरदायी होते हैं उनमें तू न होना. यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ न हो तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए. जो सिवान तेरे पुरखों ने बांधा हो उस पुराने सिवान को न बढ़ाना. यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो कामकाज में निपुण हो तो वह राजाओं के सन्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सन्मुख नहीं.